अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, आलमगीर शांति नगर का जो खबरस्तान है, यहाँ पर हमने ये सुना है कि खबरों के लिए कम से कम 50,000 रुपये लेते हैं। जैसे ही ये इत्तला वार्ड कमेटी मेंबर इनायत खान और सरफराज खान, जो गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी के सदर हैं, ये वहाँ पहुँच कर जब मालूम किए तो ये पता चला कि बिल्कुल ये सही है। इसके बाद अब जो खबरें पुरानी हो गई हैं उसको मिटा दिया जा रहा है, ये भी इन्होंने दरियाफ्त किया। अब हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि मैं जिस वक्त ये ओथ लिए थे चेयरमैन की, मैं वक्फ बोर्ड एक बॉटल पानी भी नहीं पीऊँगा कहते थे, लेकिन हमने ये सुना है कि कुछ बोलेरो गाड़ियाँ हमारे सलीम साहब वक्फ बोर्ड के लोगों के लिए ख़रीदे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के लोग उसमें घूम नहीं रहे हैं, चेयरमैन साहब लेकर दावतों में फिर रहे हैं, ये भी सुना है। और सलीम साहब ये कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, ज़रा बोलिए सलीम साहब, आप अमल करिए। खबरस्तानों में आप ये कहते हैं कि एक रुपया मत दो, अब ये खबर माफिया तो लूट रहे हैं। अगर कोई गरीब के पास मैयत हो जाती है तो फिर वो जाएगा कहाँ, ज़रा देखिए। और सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता सलीम साहब, अब ये दो नौजवान जो सरफराज खान गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी के सदर और इनायत खान, ये मौके पर पहुंचकर सारा जायज़ा लिया और ये मालूम किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर हूं। आज हम आलमगीर खबरस्तान, जो शांति नगर का खबरस्तान है, वहां पे आए हैं। यहां पे जो है मनमानी का राज चल रहा है। यहां पे कई सालों से जो खबरा है उसको जो है मिट्टी डाल दे रहे हैं उसके ऊपर, और जो है खबरों की निशान मिटा दे रहे हैं, खबरों को मिटा दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप पूरी मिट्टी डाल दे रहे हैं। खबर है ये, अब इसके बाद 4.5 फीट की जो है मिट्टी डाल दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, खबर की अब देखिए आप, ये खबर है। अब ये खबर कहाँ जाना, अब इतनी मिट्टी डाल दिए, अब यहाँ ये खबर कहाँ जाना। खबर वाले आके हमारी ऑफिस के पास हंगामा कर दे रहे कि भाई कहाँ जाना हम लोग, क्या करना, आखिर समझ में नहीं आ रहा। ये जो मिट्टी डाल दे रहे, आप आगे आइए, ये खबर है देखिए आप। ऐसा कई सब खबर है, यहाँ पूरी मिट्टी आ जा रही है, यहाँ पे सब खबर है। यहाँ पे ऐसा आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए, खबरा है भाई, ये मिट्टी डाल दे रहे हैं खबरों पे, मिट्टी आ जा रही पूरी। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए आप, ये लोग कोई पुरसा ने खाली नहीं है खबरस्तान का, ये वैसा दिख रहा है मेरे को, खाली मन धड़क जो है पैसे वसूल कर रही। अब यहाँ देखिए आप, अब ये रिसेंटली पूरी ये मिट्टी आ गई, अब ये खबर जो है नीचे चले, रिसेंटली किसी की खबर बनी, अब ये मिट्टी आई थी लेवल से तो नीचे चला गई खबर। ये देखिए, अब ये लोग क्या करना चाहते, अभी नहीं दिलाना के यहाँ पे चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब जो है यहाँ पे आके विजिट करना और पूरा चेक करना, पूरा देखना है। कहीं मजा रहा है भाई, खबर जो है मिट्टी आ जा रही। सलीम भाई क्या कर रहे हैं आप मैनेजमेंट यहाँ पे? वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से मेरी गुजारिश है कि सलीम साहब आपकी चेयरमैनशिप बहुत अच्छी चल रही, लेकिन आपसे मेरा दर्दमंदाना गुजारिश है, यहाँ पे शांति नगर का खबरस्तान तो आइए आप आके जो है पूरी मिट्टी आ रही है, मिट्टी पूरे खबर नीचे चले आ रही है। यहाँ पे देखिए आप, अब ये देखिए आप, इससे इतना ऊंचा हो गया ये, अब ये नीचे खबर आ रही है, खबर कहाँ जाना जी। अब ये हाई गुलाम ने मुस्तफा कमेटी के ऑफिस में आके लोग रोज आना बोल रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, मिट्टी इतनी ऊंचाई आई, अब ये खबर चले आती नीचे चले आती है, तो इसके लिए जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब आप देखिए, इसके लिए आप एक्शन लीजिए और जो है इस पे सही जो है मट्टी वट्टी निकालने लगाइए। इस पे ऑलरेडी जो खबर आया है नीचे चले गई, देखिए खबर नीचे चले गई। देखिए रेहाना फिरदौस बोल के है, बिस्मिल्लाह खान की लोजा है इन, अब इनकी खबर यहाँ है, अब यहाँ से इतनी मिट्टी आ रही है, ये लेवल पे आ रही थी, अब इनकी खबर कहाँ दी थी बताइए आप। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मेरा गुजारिश है, मुतालिबा है गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से कि फौरी तौर पर शांति नगर के कब्रिस्तान में आइए, आप आके जो है सर्वे करिए, सर्वे करके ये जो है
हमारे जितने भी मरहूमिन हैं, ये मरहूमिन का तहफ़ करना आपकी जिम्मेदारी है। ये जो है किसी के बाप का कब्रस्तान नहीं होता। ये यहाँ पे आके ये मरहूमिन की जिम्मेदारी करना वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब आपकी जिम्मेदारी है। ये आके जो है पूरों के ऊपर मिट्टियां डाल दे रहे हैं आप। ये लोग कहाँ जाना भाई, मन धड़क चले चल रहे, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। आप एक पब्लिक नोटिस नहीं दिया आप। अब यहाँ अगर मट्टी डालेंगे तो खबर पूरी लिखी हो जाएंगे। यहाँ यहाँ देखिए, अब ये खबर को क्या बोलना, देखिए अब ये देखिए सफिया सुल्ताना बोल के है यहाँ पे, अब इनको क्या बोलना, इनका ये हाल कर दिया। वो अभी ताजे में वो बेचा जा रहा है, ये देखिए अब ये करके, अब ये हाल ये है। अब ये ताजे में ये यहाँ पे जगह देखते हैं। अब ये ताजी खबर है, देखिए ये ताजी है। अब ये इतने लेवल पे नेक्स्ट शुरू हो गया। अभी ताजी खबर है भाई, पुरानों को क्यों आप ऐसा कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। ये मेरा गुजारिश है हमारी तमाम से, मैं कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन मोहम्मद इनायतुल्ला खान साहब भी यहाँ पे आए हैं, और ऑनरेबल एमएलए नामपल्ली मोहतरम हरदिल अजीज शख्सियत मोहतरम जाफर हुसैन मेरा साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पे आइए, आके देखिए जो है मुर्दों के साथ भी जो है नाइंसाफ़ी कर रही है, जो हमारे मरहूमिन हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी चल रही है। शांति नगर के खबर बस यही मुतालबा है। मैं एक 8 दिन का टाइम दे रहा हूँ, इसके अंदर वक्फ बोर्ड चेयरमैन हरकत में आना है। अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह मैं वक्फ बोर्ड पे धरना दूंगा। बहुत शुक्रिया सवाल। नाज़रीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर टोली चौकी पोडियम मॉल हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलके जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो, और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।